नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। आनासागर झील में डूबने से दो बच्चों की मौत। पुरानी चौपाटी के पास झील में नहाते वक्त डूबे बच्चे। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर झील से निकाले शव। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी ने दिया धरना। 15 वेतनमान की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। फिल्म अदाकार रांझा विक्रम ने की दरगाह जियारत। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर पेश की चादर। अकीदत के फूलों का नजराना किया पेश। महिला कांग्रेस से मनाई महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि। विचार गोष्ठी आयोजित कर महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर डाला प्रकाश। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सभा खान ने कार्यक्रम को किया संबोधित। बिजली विभाग ने आयोजित की जन सुनवाई। 11 प्रकरण हुए दर्ज। अजमेर के अलावा आसपास के क्षेत्र से आए लोग। SBI बैंक द्वारा ग्राहक के काटे गए 118 रुपए का मामला सुलझा। स्थायी लोक अदालत में क्षेत्रवाल नामक व्यक्ति ने लगाया था प्रार्थना पत्र। बैंक ने सुधारी अपनी गलती। रेलवे कर्मचारी को निकालने पर DRM को सौंपा ज्ञापन। DRM ऑफिस पर प्रदर्शन कर जताया रोष। वापस नौकरी पर रखने की मांग। ADR में दूसरे दिन भी जारी रही रिफ्रेशर ट्रेनिंग। न्याय अधिकारी व अधिवक्ताओं को दी ट्रेनिंग। 3 दिन चलेगी ट्रेनिंग। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कार्य शुरू। अजमेर जिले को आमंत्रित है 744 अभ्यर्थी। आज 370 अभ्यर्थियों के किए गए दस्तावेज सत्यापन। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें horizonhind.com। सच के साथ।